सिरमौर जिला के पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश और मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। बारिश की वजह से लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कांटी मशवा के रिठोग गांव में वार्ड नंबर 2 की एक महिला के घर का एक हिस्सा बारिश के कारण आई मिट्टी में दब गया है। महिला के घर के पास बारिश की बड़ी मात्रा में मलबा आ गया है, जिससे नारायणी देवी पत्नी उदयराम की रसोई में मलबा घुस गया है, जिससे रसोई और रसोई में रखा सामान पूरी तरह से नष्ट हो गया है। बरसाती मलबा मकान के कमरों में भी घुस गया है। इस दौरान अन्य ग्रामीणों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया और महिला के मकान और किचन से मलबा हटाया है। हालांकि ग्रामीणों ने मकान में घुसा मलबा हटा दिया है, लेकिन मकान के पीछे मलबा आने का खतरा लगातार बना हुआ है। महिला के मकान के पीछे जहां से मलबा आया है वहां गांव का मुख्य रास्ता भी था, ये रास्ता भी टूटकर खत्म हो गया है। ग्रामीणों ने इस संबंध में स्थानीय पटवारी को जानकारी दी है और नारायणी देवी को उचित मुआवजे की मांग की जा रही है। ये घटना ग्राम पंचायत कांटे मछवा के वार्ड नंबर 2 रिपोर्ट की है। नारायणी देवी जी का मकान है, भारी बारिश के चलते हुए यहाँ पर बहुत नुकसान हो गया है। यहाँ पर किचन थी, लाखों का नुकसान हो गया है। राशन पानी था, बर्तन थे और बहुत सारा सामान था किचन में, तो बहुत सारा नुकसान हो गया है। इसकी सूचना पटवारी जी को भी दी गई है। प्रशासन से भी मेरी गुजारिश रहेगी कि नारायणी देवी बहुत गरीब परिवार से संबंध रखती है, इनको मुआवजा दिया जाए इस चीज का। पीछे सुरक्षा दीवार थी वो भी गिर चुकी है, मेन रास्ता था वो भी नीचे आ चुका है। तो मेरा सरकार से भी अपील रहेगा, शासन प्रशासन से भी अपील रहेगा कि नारायणी देवी को इसका मुआवजा दिया जाए। भगवान का इतना शुक्र है कि किसी को नुकसान नहीं हुआ है, जान मान के नुकसान हुए, पशु भी सुरक्षित है, अपने आप भी सुरक्षित है। और यहाँ से जो इनका परिवार है वो दूसरों के मकान में शिफ्ट किया गया है। बेचारे गांव वाले भी यहाँ पर बहुत सहायता कर रहे हैं, अपने मकान में इनको रहने की जगह दी गई है। तो मेरा शासन प्रशासन से अपील है कि इसका जल्दी से जल्दी मुआवजा मिल जाए और इसको शासन प्रशासन हमारे पटवारी जी से है तो मौके पर आए और इसका जायजा लें। धन्यवाद। नमस्कार। ये मामला ग्राम पंचायत कांटे मछवा वार्ड नंबर 2 ग्राम रिठोग नारायणी देवी के मकान का मामला है। ये भारी बारिश के कारण जो है यहाँ पर फ्लड हो चुका है। भारी बारिश के कारण जो यहाँ पे मकान था ये सामने आप लोगों को दिख रहा है इधर, ये बारिश के कारण यहाँ पर जो मेन रास्ता था ग्राम रिठोग वासियों, जावला वासियों, बराड वासियों को जोड़ने का मेन रास्ता गिर चुका है। आदमी के आने के जाने का रास्ता था, पशु के रास्ता था। ये ऊपर तो मकान है, यहाँ से नीचे ये सारी दीवार आ चुकी है। तो इसकी सूचना पटवार सर्कल ग्राम बड़वास को भी दी गई है और मैं गुजारिश करना चाहूँगा वह ग्राम पंचायत प्रधान कांटे मछवा जी से भी कि वो आए और मौके का जायजा लें। इनके लिए जो भी मुआवजा है, जो भी कुछ सरकार से सहायता हो सकती है नारायणी देवी जी के परिवार के लिए, यहाँ पर उनको भारी नुकसान हो गया है। जो यहाँ परिवार रहता था वो दूसरे घर में शिफ्ट किया गया है। तो मैं आप लोगों से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि जितना इस वीडियो को शेयर कर सके उतना शेयर कीजिए, जाके इन गरीब परिवार को इनकी सहायता मिल सके, मदद मिल सके। कल ग्रामवासियों की सहायता से यहाँ पर जो पूरा लेंटर जो है पूरा भर चुका था, इनके ग्रामवासियों की सहायता से यहाँ पर खाली किया गया, दौड़े आने जाने की व्यवस्था की गई है। तो मैं सरकार से भी गुजारिश करना चाहूँगा और ग्राम पंचायत प्रधान से गुजारिश करना चाहूँगा, पटवारी जी से गुजारिश करना चाहूँगा कि इनको जो है आपकी सहायता दी जाए, जिससे नारायणी देवी अपने परिवार को सुरक्षित स्थान पर रखे और पीछे की सुरक्षा दीवार का प्रावधान कर सके। तो धन्यवाद आप सभी का, आगे से आगे वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार जी, ये घटना 7 बजे की है, जिससे कि मतलब भारी बारिश के कारण ये मलबा मकान के ऊपर गिरा है और यहाँ मकान के लिए काफ़ी नुकसान हुआ है, जबकि एक किचन भी दब चुकी है और क्या नाम के काफ़ी जो नुकसान यहाँ पे हुआ है। परिवार को यहाँ से दूसरे जगह पे शिफ्ट कर दिया गया है और क्या नाम के फिर भी ये बहुत ही खतरे की निशानी के मकान है। काफ़ी कुछ गांव के लोगों ने यहाँ पे सहयोग किया और मकान को के ऊपर जो भी मलबा था उसको साफ करवाया है, लेकिन फिर भी मतलब इस मकान को काफ़ी कुछ नुकसान आगे भी है और कम से कम यहाँ पे किचन थी जिससे 1 लाख से ऊपर का
लाइफ टाइम्स टीवी के लिए शिलाई से रवि तोमर की रिपोर्ट।